बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री व विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव केंद्र की भाजपा और प्रदेश की एनडीए सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि राज्य में 17 व केंद्र में 10 सालों में एनडीए की सरकार है, बावजूद इसके क्षेत्र का विकास नहीं हुआ। आदिवासी व किसान आज भी विकास के लिए मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए हैं। तेजस्वी यादव बुधवार को पश्चिम चंपारण के बाघा 2 हरनाटाड़ में वाल्मीकि नगर संसदीय क्षेत्र से राजद प्रत्याशी दीपक यादव, सिवान जिले में दरोली के दौन स्थित द्रोणाचार्य उच्च विद्यालय परिसर व सदर प्रखंड के टड़वा खेल मैदान में राजद प्रत्याशी अवध बिहारी चौधरी और गोपालगंज जिले के जादोपुर स्थित राम रतन शादी उच्च विद्यालय के मैदान में वीआईपी प्रत्याशी प्रेमनाथ चंचल उर्फ चंचल पासवान के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। बागा को जिला बनाने पर उन्होंने कहा कि हमारे पिता ने पुलिस जिला बनाया था, हमारी सरकार बनी तो जिला भी बनाएंगे। तेजस्वी ने कहा कि नोटबंदी कर लोगों को लाइन में खड़ा कर परेशान किया गया, प्रधानमंत्री को तो काम है नहीं, बस प्रचार करना है। तेजस्वी ने कहा कि नोटबंदी कर लोगों को लाइन में खड़ा कर परेशान किया गया, प्रधानमंत्री को तो काम है नहीं, बस प्रचार करना है। उन्होंने कहा कि जनता अब उनकी चालबाजी अच्छी तरह से समझ गई है, अब झांसे में नहीं आने वाली है। अब तक लोगों को विकास के नाम पर ठगा है। बिहार ने पिछले लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को 40 में से 39 सीटें दी, प्रधानमंत्री ने 10 साल में बिहार के लोगों के लिए किया ही किया है, रिपोर्ट कार्ड देना चाहे। तेजस्वी ने कहा कि पहले की चुनाव सभाओं में चीनी मिल व रोजगार की बात की थी, अब वो केवल नफरत की राजनीति करने बिहार आते हैं, हमको शहजादा कहते हैं, अब हम भी उनको पीरजादा यानी बुजुर्ग कहेंगे। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी युवाओं को अग्निवीर योजना के तहत 4 साल की नौकरी दे रहे हैं, खुद 75 साल में 5 साल और सरकार चलाने के लिए वोट मांग रहे हैं, ये ठीक है क्या? उन्होंने कहा कि हम लोगों ने संकल्प लिया है कि भाजपा को भगाना है, संविधान व लोकतंत्र को बचाना है। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता खुलेआम बाबा साहेब के संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। पहले ही चरण में 400 का फिल्म फ्लॉप हो गया, मुझे बिहार में 17 माह कार्य करने का अवसर मिला। तेजस्वी ने कहा कि हमने शिक्षा विभाग सहित अन्य विभागों में 4 लाख नौकरियां दी। उन्होंने कहा कि हमारे गठबंधन की सरकार बनने पर 1 करोड़ नौजवानों को सरकारी नौकरी दी जाएगी, हर गरीब परिवार की महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना यानी हर माह 8,333 रुपए खाते में खटाखट भेजे जाएंगे। अग्निवीर योजना समाप्त कर दी जाएगी, गैस सिलेंडर 500 रुपए में मिलेगा और 200 यूनिट बिजली फ्री में देंगे, पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे।